डॉक्टर साहब, मेरी टांगे नीली पड़ गई। जहर है, ये काटकर नकली लगवानी पड़ेंगी। अगले दिन डॉक्टर साहब, ये नकली टांगे भी नीली पड़ गई। अच्छा, अब समझ में आया, जींस रंग छोड़ती है। पागल हो क्या? अब मैंने क्या किया? मैं तुम्हें इतना थोड़ी तंग करती हूँ कि तुम सुसाइड कर रहे हो। बस कपड़े और बर्तन ही तो धुलवाती हूँ। उन्हीं कपड़ों को सुखाने के लिए ना ये रस्सी सीधी कर रहा था, समझ में आई? सुसाइड कर रहे हो। कुछ लड़कियाँ तो ऐसा जींस और टॉप पहनती है ना कि अगर कटोरवा लेके बैठे तो सर्वा 100-150 तो मिल ही जाएगा। एक बात बतावे, तू आदमी है या इंसान? इंसान हूँ भाई मैं तो। सोच ले, बीच वाले भी इंसान होते हैं। आदमी हूँ भाई, आदमी। हाँ, आदमी आदमी। बताओ बच्चों कि मुर्गियों की टांगे छोटी क्यों होती हैं? मैडम जी, जब मुर्गियां की टांग लंबी होती तो इतनी ऊंचा तो अंडा पड़ के फूट नहीं जावे। रे बैठ जा कोटिल्ले। अबे क्या हुआ यार, तू इतना हाफ क्यों रहा है? अबे अभी मैंने ना 5 रुपए बचाए। अच्छा, वो कैसे? मैं ऑफिस से निकला ना तो मेरे ना बस छूट गई और मैं बस के पीछे भागता हुआ आया। अबे यार तू भी कितना बेवकूफ है। क्यों? अगर टैक्सी के पीछे भागता तो कम से कम 100 रुपए तो बचाता। तुम ना कुछ काम के नहीं हो, एक नंबर के गधे हो गधे। पड़ोसी की इनकम देखिए कितनी अच्छी है, उसकी गाड़ी देखिए कितनी अच्छी है, उसकी कोठी देखिए कितनी अच्छी है। कम्बकत चुप बैठ, मैंने कभी तुझे कहा है कि पड़ोसी की बीवी देख कितनी अच्छी है? बेटा एक सवाल का जवाब दो। जी सर, बोलिए। एक औरत 1 घंटे में 50 रोटियां बनाती है, तो बताओ 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? अरे सर, 1 भी नहीं। क्यों? अरे सर, वे रोटियां नहीं सिर्फ बातें बनाएंगी। हैं? हाँ। अबे यार जानो, एक काम करना, मेरा ये जो मोबाइल है इसको चार्जिंग में लगा दे यार, मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है। रात में मोबाइल चार्ज में नहीं लगाना चाहिए, मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है। अबे यार तू टेंशन मत लिया कर, बैटरी मैंने पहले ही निकाल लिया मोबाइल से। अबे यार एक बात बता, तू कल घर देर से क्यों आया था? अबे यार रास्ते में ना मेरे को एक खतरनाक कुत्ता मिल गया था, उसने फाड़ दी मेरी। अबे यहाँ क्या देख रही है साड़ी? मैं शर्ट की बात कर रहा हूँ, शर्ट फाड़ दी थी, वो सिलवाने चला गया था टेलर के पास, इसलिए देर हो गई थी। सुनो जी। हाँ जी, बोलो क्या बात है? एक बात बताओ, ये प्यार मोहब्बत इश्क ये क्या होता है? मेरा घंटा होता है, साड़ी फ्री फंड में चुम्मा चाटी करने के बहाने होते हैं ये प्यार इश्क मोहब्बत। ओ बेबी। हाँ। मुझे लगता है मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना और अपनी बीवी को मेरे कपड़े दे देना। पर बेबी। हाँ। रिया को तुम्हारी साइज के कपड़े नहीं आएंगे। सुनोरी लौंडियो, जो लौंडे करेंगी झाड़ू पोछा खाना बनाना बर्तन धोना, उन्हें कभी नहीं होगा कोरोना। और जो काम को देखकर करेंगी रोना धोना, उन्हें ही होगा सबसे पहले कोरोना। अब मुझे ही देख लो, मुझे तो आज तक नहीं हुआ कोरोना। अरे भाई तुम लोग क्या वीडियो बनाते हो यार? थैंक यू भाई। क्या वीडियो बनाते हो यार? थैंक यू भाई। अरे भाई क्या वीडियो बनाते हो यार? थैंक यू। क्या वीडियो बनाते हो? कुछ समझ नहीं आता है। बनाना मत आज के बाद। अबे यार एक बात बता, तेरी शादी क्यों कैंसिल हो गई? अबे यार लड़की वालों ने मेरे से बोला है कि तुमको दहेज में क्या चाहिए, मैंने बोल दिया भैया मुझे लड़की का पुराना मोबाइल और पुराना सिम कार्ड दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। साला रिश्ता तुरंत कैंसिल हो गया। शक्ल देख कर ना सही, हमरे वीडियो देख कर ही हमके गर्लफ्रेंड बना लो, हम तोहे रोज हंसाएंगे पक्का। बस एक दैया बना लगा। Ha 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 ha!
अगर अभी घोषणा हो जाए कि मित्रों रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा बंद, कसम से कह रहा हूँ 135 करोड़ जनता सीधा चाइना पर हमला बोल देगी। हेलो हेलो, मैं एक घंटे से देख रही हूँ तुम ऑनलाइन, मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे सेंड करने के बाद। अरे यार तुम मैसेज की बात कर रही हो अपने, मैं तो परीक्षा में सवालों को सीन करके उनके जवाब नहीं देता था। क्यों? हाँ इसीलिए तो मैं 5 बार फेल हुआ। जानू आज पता नहीं क्या हो गया, मेरे को नींद नहीं आ रही यार बिल्कुल भी। नींद नहीं आ रही ना तो एक काम करो, मैंने बहुत सारे बर्तन इकट्ठे किए हैं, उसे साफ कर दो। अबे पागल नींद में ही बोल रहा हूँ मैं। सुनो जी, भगवान ने माँ और बीवी को क्यों बनाए? अबे भगवान हर एक के घर पे जाकर उसे प्यार नहीं कर सकता था इसलिए उसने माँ बनाई, इसी तरह वो हर एक के घर पर जाकर उसे सजा नहीं दे सकता था इसलिए उसने बीवी बनाई। एक बात बताओ। सुनाइए। ना तुम सुंदर हो ना तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहाँ से हो? ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। हमें पूछो। अब मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना, मुझे कोई और पसंद आ गया है। ये क्या से क्या? चलो चलो पार्क में ऐसे नहीं बैठ सकते, चलो। पर हम दोनों तो शादीशुदा हैं। तो अपने घर जाके बैठो ना। पर इसकी पत्नी मुझे इसके घर आने नहीं देती और इसका पति भी मुझे इसके घर नहीं आने देता। ओ शिट, आपका दांत सड़ चुका है, निकालना पड़ेगा। अच्छा रिपिया कितने लगेंगे? 200 रूपए। ये ले 50 रूपए, ढीला कर दे, निकाल मैं खुद लूंगा। काजल आज नशे में झूम जाएंगे दोनों, बता कौन सी सिगरेट पिएगी तू? ए, मैं ना पीऊँ सिगरेट, मैं हुक्को पीऊंगी फ्लेवर वालों। आई लव दिस फ्लेवर वाला हुक्को, और छल्ला बना दूंगी छल्ला, चूड़ी बना दूंगी चूड़ी, ओ मैनू ओडी। उत्तरी, क्या तरीका है मोबाइल देखने का? बेटे तरीका वरीका कुछ नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने कसम ली है मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगे। कोरोना बीमारी के डर से ऑफिस बंद, कॉलेज बंद, मौसम ठंडा, सभी लोग घरों में। अब देखना ये कोरोना बीमारी जितनों को मारेगा नहीं उससे कहीं ज्यादा पैदा करा के छोड़ेगा। साला जब से कोरोना वायरस आया है तब से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कौ हुआ रे? साला बताइए तो, मेरी बीबी जब से कोरोना वायरस आया है तब से बोलती है इतनी दूरी हट के सोइए ना, बताइए हम कहां जा सोने। ओ मोनू साहब, विवाह संपन्न हुआ, दुल्हन नीचे बैठ जाओ। पंडित जी, दूल्हे की कौन सी साइड में बैठ जाओ, राइट साइड में बैठ जाओ या फिर लेफ्ट साइड में? बेटी जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठ जाओ, क्योंकि वैसे भी शादी के बाद तो तू उसके सर पर ही बैठने वाली है। भाई भगवान ने भी कितनी कमाल की चीज दी है ना, जीव। ऐसा क्यों? भाई हमारी जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन ये ही जीभ हमारी सारी हड्डी तोड़वाने की हिम्मत रखती है। अरे यार जरा देख के आइयो घड़ी में क्या बज रहा है। देखती हूँ। घड़ी में तो कुछ भी नहीं बज रहा, आपको पता नहीं क्या क्या सुनाई देता है। 21 टोपों की सलामी उन लड़कों को भी जिनको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से मुझसे ही बतियाती है। अगर किसी का वजन कम नहीं हो रहा, एक आसान सा तरीका बताता हूँ। गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट करो, फिर ऐसे करो, फिर तेज तेज करो। ये उस टाइम करना है जब आपको कोई खाने के लिए पूछे, बस। सुनो जी, घर में जितनी पुरानी चीजें हैं ना उसे बाहर फेंको और नई चीजें ले आओ। तो साड़ी एक काम कर, सबसे पहले तू निकल यहाँ से। क्यों? साड़ी सबसे पुरानी तो तू ही है ना, अब दूसरी बीवी लेकर आऊंगा, सामान बाद में आएगा। सुनो जी, चल तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे। एक चिड़िया है वो आसमान में उड़ रही है, उसने अंडा दिया, बताओ उसका अंडा जमीन में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। घंटा गिरेगा। क्यों? उसने चड्डी पहनी है। चल चल तेरे से एक सवाल पूछ। जहाँ तक मेरी उंगली जा रही है ना वहाँ तक पूरी जमीन मेरी है,
अबे इतनी सारी? हाँ सारी की सारी। ऐसे में तो तू बहुत करोड़पति आदमी है। कहाँ देख रही है? ये देख मेरी उंगली कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक ना। हाँ बस इतनी बड़ी मेरी जमीन है, यहाँ पान की दुकान खोलूंगा मैं। Hi V-Mate friends. Hi guys, मैं हूँ भुवन। And I'm Ashish. I'm सपना। तुझे पता है V-Mate अपने क्रिएटर्स को कितना दे रहा है? 100 करोड़। V-Mate अपने क्रिएटर्स के साथ शेयर कर रहा है पूरे 100 करोड़। तो क्या सोच रहे हो? Go and search V-M-A-T-E. बनिए V-Mate क्रिएटर, शेयर करिए 100 करोड़ रुपए। सर्च V-M-A-T-E. वीडियो शूट करो और पैसे कमाओ। Hello V-Mate. The most trending short video app.